हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं, और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं, वो मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता, जिनमें होता है तो केवल छल, कुटिलता और भाग्य का सहारा, जैसे कि जुआ। कोई जुए के खेल में धन लगाता है, कोई दाव लगाता है, और ये भूल जाता है कि जुआ ऐसा दलदल है कि जिसमें एक बार गिरे तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीते तो और जीतने की भूख बढ़ जाएगी, और यदि आप कुछ हार बैठे तो उसे पुनः पाने के लिए आप फिर से खेलेंगे। मनुष्य को ये आभास ही नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ साथ वो अपनी मानवता, अपने संस्कार, अपना धर्म और अपना उत्तरदायित्व तक सभी जुए की भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। यदि कुछ जुए में जीता तो वो उतना शीघ्र ही खो दोगे, क्योंकि उसे परिश्रम से पाया नहीं गया है, और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। परिवर्तन संसार का नियम है, ये तो आप सबने सुना होगा। हम सब समय के साथ परिवर्तित होने का दंभ भरते हैं और आर्थिक रूप से संपन्न भी हो जाते हैं, परंतु क्या वास्तव में यही परिवर्तन है? नहीं। घर में, जीवन शैली में, खान पान में परिवर्तन अस्थाई है। कुछ महत्वपूर्ण है तो सोच का परिवर्तन। समय के साथ अपनी सोच को भी बदलें। जिस प्रकार केवल वस्त्र बदल लेना स्नान नहीं माना जाता, उसी प्रकार दिखावे का परिवर्तन समाज को शुद्ध नहीं करता। शुद्धि के लिए आवश्यक है मन का परिवर्तन। चूंकि जो गतिमान है वही मनुष्य है, जो स्थिर हो गया वो पाषाण है, और जो समय के साथ अपनी सोच ना बदले वो शमशान है, और शमशान अंत होता है। मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वो हे दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय। काल, काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता, समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। इस पात्र को देख रहे हैं, एक कुम्हार इस पात्र को बड़ी यातना से, बड़ी सावधानी से गढ़ता है। वो इसे अग्नि में तपाता है और इस योग्य बनाता है कि भीषण ताप में ये प्यासों की प्यास बुझा सके, और इस घट का आरंभ जल से होता है। यदि जल ना हो तो इसकी माटी को ना गूंथा जा सकता है,
और ना ही इसे चाक पर आकार दिया जा सकता है। जल इसका लक्ष्य है, क्योंकि इसे अपने भीतर जल को संचित करके रखना है। परंतु आरंभ और लक्ष्य के मध्य इसे एक कठिन तपस्या से होकर जाना होता है। इसे ताप सहना होता है, रात भर अलाव में पकता है, और यही समस्या मनुष्य के साथ भी होती है। यदि उसे अपने जीवन में लक्ष्य पाना है तो उसे दुखों का, कठिनाइयों का और बाधाओं का ताप सहना होगा, क्योंकि बिना जला हुआ घट, बिना तपा हुआ घड़ा जल का संचय नहीं कर सकता। मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस पौधे को सींच रहा हूं। आप भी ये कार्य प्रतिदिन करते हो। जब इस पौधे को जल देंगे तभी ये फलवित होगा, इसमें से फूल निकलेंगे, इसकी सुंदरता बढ़ेगी। परंतु प्रतिदिन ये कार्य करने के पश्चात भी हम इससे एक महत्वपूर्ण सीख लेना भूल जाते हैं। हम कभी पौधों के पत्तों पर, उनकी डालियों पर, उनके फूलों और फलों पर जल धारा नहीं डालते, उन्हें धोते नहीं, परंतु फिर भी वो पनपते हैं। यदि जल जड़ में जाए वही सफलता का मूल है। यदि आप एक बार में अनेक कार्य करने जाएंगे तो आपको एक कार्य में भी सफलता नहीं मिलेगी, परंतु यदि आप बुद्धिमता से, दृढ़ मन से एक कार्य साधेंगे तो एकाएक स्वतः ही सारे कार्य सध जाएंगे। जो आपका मूल है, जहां से आपको सिंचाई मिल रही है, यदि आपने उसी जड़ को छोड़ दिया तो एक सूखे पौधे की भांति आप भी सूख कर गिर जाएंगे और अंततः अपना अस्तित्व खो बैठे। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन गोकुल में दो व्यापारी आए। एक व्यापारी शहद का था, बड़ा मीठा शहद था उसका, परंतु वो गोकुल में टिक नहीं पाया, उसके व्यापार ने घाटा खाया और शीघ्र ही वो गोकुल छोड़कर चला गया। और दूसरा व्यापारी मिर्च का था। पहले दिन वो एक पोटली लाया और दूसरे ही दिन वो पूरी बैल गाड़ी भर कर लाया और धीरे धीरे पूरी मथुरा में उसकी धाक जम गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ तो मैंने बाबा से पूछा कि ऐसा क्यों कि एक मीठे शहद का व्यापारी कंगाल हो गया और एक मिर्च का व्यापारी धीरे धीरे नगर सेठ बन गया। बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मीठी बोली बोलने वाले की तीखी मिर्च भी बिक जाती है और जो कड़वी बोली बोलता है उसका मीठा शहद भी नहीं बिकता। वाह, कितने उत्तम विचार हैं उनके, और उचित ही है। मनुष्य अपने जीवन में सदैव अपने वचनों से उठता है और अपने वचनों से ही गिरता है, इसलिए अपने जीवन में सदैव मीठी बोली बोलने का प्रयास कीजिए, आपका जीवन सरल हो जाएगा।